के पीक से निकल जाएंगे। अगर आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा। मुल्क में SOPs पर अमल दरामद टाइगर फोर्स ने कराया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का टाइगर फोर्स के रजाकारों से बातचीत में इजहार ख्याल, बोले लोगों को एहतियात कराएं तो वबा से बचा जा सकता है। रजाकाराना काम करने पर टाइगर फोर्स के जवानों का मशकूर हूँ। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, बरसात ने मिसाली शजरकारी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही, इसकी आम आदमी समझता नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमने ये जो SOPs यानी जो शराइत रखी हुई है इनके ऊपर अमल करें, क्योंकि वो अमल नहीं करते हमें खतरा ये है कि ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे हॉस्पिटल्स पे, हमारे हेल्थ सर्विसेज पे। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बेचारी थक गई है, उनके ऊपर हम इतना बोझ भी नहीं डाल सकते, उन्होंने अपना भी काम कर रहे हैं साथ, तो इसलिए सारी जो जिन जिस मुल्क में कामयाब हुआ है ना ये सोशल डिस्टेंसिंग या SOPs पे अमल करना, उधर सारा वॉलंटियर नेटवर्क है। और हमारे पास माशाल्लाह जबरदस्त अभी तक आपकी जो फोर्स है और पढ़े लिखे लोग आए, तो मैंने आपको कहना था कि ये पढ़ाए, ये एक महीना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम रोक गए, अल्लाह ने बचाया हुआ अभी तक, बाकी दुनिया में जिस तरह की तबाही मची है वायरस की वजह से, अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। ये हम महीना गुजार गए, अगर वो लोगों थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे और ये मुल्क उस हिसाब से बच जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले तो आप सबको थैंक करना था, सारे टाइगर्स को थैंक करना है जिन्होंने वॉलंटियर किया है, यूथ हमारे मुल्क की फ्यूचर है। उसके अलावा अगर ये इसके बाद एक और हमारा प्लान बना हुआ है, हमने सारा पाकिस्तान में ये जो बरसात है हमने वो प्लांटेशन करनी है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, वो भी इंशाल्लाह सारे सब आप सबको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने आप सबको थैंक करना था बहुत।